आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। सिवनी पुलिस कप्तान कुमार प्रतीक दिखे एक्शन मोड में। जिला सिवनी के छपारा तहसील के डुंगरिया मोहल्ले में हत्या का खुलासा किया। पुलिस कप्तान कुमार प्रतीक ने अवैध संबंधों के चलते हत्या की थी। आपसी कहासुनी को लेकर 3 लोगों की हत्या की गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस की तत्परता और साइबर सेल की मदद से छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अवैध निर्माण को जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया। बड़ी कामयाबी मिली, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की जा रही है। और किस तरह का ये पूरा मामला था और आरोपी को धर दो वो चलिए बताइए। इसमें जब दोपहर में हमारे पास करीब 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी तो हमने तत्काल फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट स्क्वाड और साइबर सेल सबको लेकर यहाँ पहुँचे थे सभी अधिकारीगण। और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह निश्चय किया गया था कि कुछ घंटों में ही इस मामले का खुलासा करना है और आरोपी को गिरफ्तार करना है। रात में करीब 2:30 बजे तक हम लोग लगे रहे और फिर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। आरोपी को भी राउंड अप कर लिया गया है और जैसा आप देख रहे हैं पीछे इसका अवैध निर्माण था उसको भी तोड़ने की कार्रवाई जारी है। सर जैसे कि आरोपी की हत्या करने की क्या वजह रही होगी, तरह का निर्णय? आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि महिला से उसके कुछ संबंध थे और उसी के सिलसिले में वो कई बार महिला के घर आना जाना करता था। कल कुछ पैसों के विवाद पर उनकी कहासुनी हुई और उसमें गुस्से में आकर इसने ऐसी हरकत की है।